हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो अभी ना हम यहाँ पे एक कैफे देखने आए थे, बहुत सुंदर कैफे है। तो पूरा ग्राउंड देख रहे हो आप कितना सुंदर सा है, और यहाँ पे सारे कैफे हैं, सब ए टू जेड खुल रहा है। यहाँ पे एक भैया का कैफे खुल रहा है, वो नोएडा की है, आपने शायद देखा भी होगा मेरे ब्लॉग्स में कभी बहुत पहले। तो उन्होंने कैफे ओपनिंग कर रहे थे, वो मतलब एक अपना, तो अभी उसका काम चल रहा है, हम वहाँ आए थे देखने। सो अंडी वहाँ पे डॉग्स को खिला रही है। लग गई क्या, क्या कर रही हो? वहाँ पे एक डॉग की चोट लग गई है। किससे पूछ रही हो? इसकी हालत बहुत खराब है बेबी, क्या पता पट्टी वट्टी कर दे तो बच जाए। ओ, इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब लग गई है, लेके चल रहे हैं। तो हाँ, लेके चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं। हट, अरे वो चाट रही है, चाटने दो यार। तो वो अब क्या फायदा उसको चाटने का, उसकी आंखें बंद है बेबी। अरे नहीं काट, नहीं काट रही है वो, खुद हमारे पास आ रही है आंटी बार बार। फ्रेंडली हूँ, मुझे कोई नहीं काटता। देखो खून ही खून निकल रहा है बेचारे को। चलो चलो चलो, मैंने डाला है, हटा दें क्या? ये बेहोश हो रहा है, है ना? अब ये नहीं देख पा रही है। रुको रुको, कैसे अपने कैफे पे रहते हो? निकल रहा है इसके पूरे उसमें। क्या हो गया? बहुत खून निकल रहा है इसके। अरे खून कहाँ से निकल रहा है? पता नहीं, ये तो समझ नहीं आ रहा, देखना बहुत खून निकल रहा है। कुत्ते ने खा लिया, मतलब कुत्ते ने काट लिया। यार बेचारे को, यार उसको कोई वेट वाले नहीं आ सकते, जैसे फोन कर देते वो आ जाते लेने। उसको ऊपर बेहोश हो रहा है, पता है, हिम्मत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। अभी आया कहीं से चल के, यहाँ पे आके लेट गया। देखना छोटू, अभी डॉक्टर के पास चलेंगे, अभी चलेंगे। हाँ एनिमल कुछ फाउंडेशन, वो भी फोन कर रहे हैं, अभी फोन कर रहे हैं। इसके बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, इसे दो तीन डॉग्स ने ना बाइट कर लिया, पर अभी ठीक है थोड़ा सा, पर बेहोश हो रहा है। कैफे के नाम से आ जाएगा, लोकेशन भी आएगा बिल्कुल। क्रेजी चाय गूगल पे डाल लो, मतलब लोकेशन। ये भी वेट से पूछ रहे हैं, भैया भी वेट से पूछ रहे हैं, बस कोई आ जाए नहीं तो लेके जाएंगे। इसकी मम्मा इसको बार बार चाट तो शेल्टर पे ना लेके जाए, इसको कर दें, क्योंकि हम लोगों से अगर इसकी हम लेके उठा रही हूँ मैं तो ये बच्चा जागी, तुम जागी, अभी लेके चलेंगे आपको अच्छे से डॉक्टर के पास। मैं बच्ची छोजी बोजी लेके चलेंगे बच्चे भी। ओए होए 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 यार, ठीक है आप भेजो, और मर जाएगा जल्दी कर दो, गिर रहा है ये। ठीक है अभी लेके चल रहे, देखियो उसका हाथ, छूता उसका हाथ। यहाँ 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 उसके पास रख दे, बस यहीं यहीं यहीं। भैया इसकी यहाँ लगी है चोट, नहीं अरे चाटने दे, चाट चाट के डॉगी ठीक होता है। आप पी लो, मर ना जाए भैया। नहीं मरेगा यार, किसको भेज रही थी? फोटो भेज दो ना। हाँ मेरे को व्हाट्सएप करियो, ला लो लो लो, उससे क्या होगा, आ जाएंगे ठीक करने के लिए, फिर शेल्टर पे ले जाएंगे। रुक जाएगी थोड़ी देर, रुक गई। छोटा बच्चा, थोड़ी दवाई वगैरह खिला देंगे ना, ये ठीक हो जाएगी यार। तुमने रास्ता पूछ लिया? आगे से पॉइंट पे जाके राइट, आगे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेट शॉप है, सेक्टर 122 नोएडा में, कृष्णा लाइफलाइन वेटनरी हॉस्पिटल। तो सबसे क्लोज में ना यही हॉस्पिटल था, तो यहाँ पे जल्दी से बस ले आए, और यहीं पे उसका अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी
थोड़ी सी हम लोगों को भूख लग रही है और हमने सोचा इसका ऑपरेशन में टाइम लगेगा तो हम कुछ खाने चल जाते हैं। तो बस भैया दी आने वाले हैं और हम कुछ खाने जा रहे हैं। तो अभी हमने उस डॉग को ना क्लिनिक में दे दिया और उसका थोड़े से ऑपरेशन टाइप हो रहा है, लाइक टाके वाके। क्या हुआ, क्या बोला? तो अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए थे, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा भूख भी लग रही थी, सबको कुछ खाया नहीं था तो हमने खाने के लिए ले लिया और एक बर्गर और कबाब सब खाते हैं भैया। अभी हम डॉग के पास वापस जा रहे हैं। अभी बिल्कुल जस्ट हम ना एक गाड़ी से ठुकते झूठे बचे, मतलब टच हो गई थोड़ी सी भैया की गाड़ी पे, खरोच आ गई वो मैन हाँ एक लड़की चला रही थी, थोड़ा सा उससे गलती से लग गई, बहुत स्पीड में आ रही थी। तो अभी हम पेट शॉप पे आ गए भैया और वो उसको देखने गए हैं। उसके ना बहुत ज़्यादा उसके कट आए थे, बहुत ज़्यादा, वहाँ लग भी रहा था जितनी उसकी ब्लीडिंग हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा कट लग रहा था कि, और उसको होश नहीं था, हमें लग नहीं रहा था ये बच जाएगा, पर ये अच्छा हुआ अच्छे टाइम पे हम उसे निकाल लिया हमने और यहाँ ले आए। अभी उसके टाके आए हैं 2-3, उन्होंने बोला था कुछ उसके अंदर से ना बाहर कुछ निकल रहा था, वो मुझे पता नहीं है उसका नाम, बट बहुत अजीब सा था। तो उन्होंने बोला उस पर टाके आने जरूरी नहीं, तो वो निकलता ही रहेगा, दवाई से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए उसके 2-3 टाके लगाए हैं। और ऐसे टाके हैं जो कि टाइम टू टाइम वो बॉडी में ही डिसॉल्व हो जाएंगे, तो सबसे बेटर है बस भैया वो उसे लेने गए हैं, ठीक हो जाए उसके बाद हम उसे वहाँ पे वापस छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत परेशान थी, वो हमारी गाड़ी के पीछे भी भाग रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स यार मैंने देखा इतना इमोशनल सा सीन था, वो पता है कूद रही थी, हम उसको लेके आ रहे थे। बट ठीक है, हम सही टाइम पर उसे ले आए, वो ठीक हो जाएगा। अभी दवाइयाँ और जो भी चीज़ें हैं वो सब लेंगे और एक स्वेटर पहना देंगे जिससे कि उसको ठंडा लगे और उसके टाके कवर रहे। कोई भी देखभाल नहीं कर सकता, कोई घर नहीं लेके जा सकता, दिक्कत यही है कि उसकी मम्मी भी है। अब यार किसी पेट को उसकी माँ से वो 2-3 दिन जब तक नहीं आएगा वापस, वो यही सोचती रहेगी कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और रो रही थी, बहुत इमोशनल था। बट अच्छा हुआ वो ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट अच्छा हुआ अब टाइम पर लिया, नहीं तो बचता नहीं जितनी उसकी चोट लगी हुई थी। सो दैट्स इट आज के लिए, और बहुत ही भूख लग रही थी इसलिए हम थोड़ा बाहर चले गए थे। मैं अभी कबाब खा रही हूँ और एक बर्गर लिया, खाना वाना ख़त्म करते हैं और चलते हैं घर वापस, और मैं दिखाती हूँ उस छोटे से बच्चे को। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींच रही हूँ इस ब्लॉग को। सो दैट्स इट आज के लिए, और बस यहाँ से उसको छोड़ेंगे और घर जाएंगे, मैं और स्वर्णिमा मेरे यहाँ पे जाएंगे आज, और शायद रुकेंगी मुझे पता नहीं, बट हो सकता है वापस भी जाए। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस बच्चे के लिए बहुत सारी विशेष भेजना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी मैं उसका फिर से एक ब्लॉग बनाऊं और छोटू को खेलते हुए देखूं। सो या बाय, लव यू।